Hello everyone, in this video lecture of Digital Electronics or Digital System Design, I am going to discuss two examples of SOP to POS conversion. Means कि आपका जो function होगा वो SOP form में होगा, means sum of product, और उसे हम convert करेंगे और simplify करेंगे in product of sum. ठीक है, तो I have taken two examples. First is F is equal to X bar Z bar Y bar Z bar Y Z bar X Y Z. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स. मींस कि हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट. मींस कि यहाँ जो के मैप यूज होगा वो थ्री वेरिएबल के मैप होगा. इस एक्सिस पे मैंने लिया एक्स को एंड कॉलम के एक्सिस पे लिया मैंने वाई जेड को. जहाँ जीरो है, जीरो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी नंबर का बार. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीरो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई बार जेड बार को. ठीक है, मींस कि अगर हम वन वन की बात करें तो वन वन रिप्रेजेंट वाई जेड. मींस कि सिंपली दिस इज वाई बार जेड बार वाई बार जेड वाई जेड वाई जेड बार. ठीक है, तो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस. यहां पर क्या होगा, एक्स बार एक्स. ठीक है, आपकी चॉइस है, आप बाइनरी बिट्स में लिख सकते हो और वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज एक्स बार जेड बार. एक्स बार मींस की दिस रो, जेड बार मींस की दिस कॉलम एंड दिस कॉलम. ठीक, इस रो के ये दोनों कॉलम, इस रो के ये दोनों कॉलम मींस वन एंड वन. नेक्स्ट टर्म इज वाई बार जेड बार. वाई बार जेड बार हमारा ये कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम, मींस की ये दोनों रो इन्वॉल्व होंगी, यहाँ आएगा वन. ठीक, नाउ वाई जेड बार. वाई जेड बार मीन्स कि दिस कॉलम, वाई की वैल्यू वन, जेड की वैल्यू जीरो, वन जीरो या वाई जेड बार. तो ये पूरा कॉलम मीन्स कि वन. नाउ लास्ट टर्म इज एक्स वाई जेड. एक्स मीन्स कि दिस रो, वाई जेड मीन्स कि दिस कॉलम. अब ये रो ये कॉलम मीन्स कि यहाँ होगा वन. ये हमने प्लॉट कर दिया सॉप को, बट हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो हमें पॉस की चाहिए. तो जो टर्म्स यहाँ एबसेंट है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, जीरो. ठीक है, अब हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो प्रोडक्ट ऑफ सम में करना है. ठीक है, मींस कि वन पेयर दिस वन एंड वन पेयर दिस वन. ठीक है, टू पेयर्स पॉसिबल है. नाउ इन केस ऑफ पॉस क्या होता है, जीरो को हम लिखेंगे एक्स, वन को लिखेंगे एक्स बार. सेम वे यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट टर्म था वो हमारा प्लस में कन्वर्ट होगा और में. मींस कि जीरो है तो वाई प्लस जेड. नाउ इन दिस केस जीरो मीन्स वाई, वन मीन्स जेड बार. ठीक है, और ये हमारे होंगे और के फंक्शन. ठीक है, नाउ इन दिस केस बोथ वन वन मीन्स की वाई बार प्लस जेड बार. नाउ इन दिस केस वाई इज वन मीन्स वाई बार, जेड इज जीरो मीन्स जेड. क्या हो जाएगा, प्रीवियस में प्रोडक्ट था, यहाँ हमारा और होगा, प्लस होगा. नाउ अब फॉर दिस पेयर, दिस पेयर विच कॉलम इज यूज, दिस वन. दोनों रो यूज हो गई तो एक्स बार प्लस एक्स क्या हो गया, वन. तो हमें सिर्फ कॉलम से क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बार. ठीक है, फॉर दिस कॉम्बिनेशन रो से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस फ्रॉम दीज टू कॉलम्स व्हाट इज कॉमन, जेड बार. तो हमें यहां क्या मिलेगा, जेड बार, जो वैल्यू कॉमन होगी. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ दिस सॉप फंक्शन इन पॉस फॉर्म. ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल, ये मेरा थ्री वेरिएबल का एग्जांपल था. नाउ आई हैव टेकन फोर वेरिएबल एग्जांपल. ठीक है, फोर वेरिएबल्स कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले ए है, सी है, बी है, डी है, मीन्स फोर वेरिएबल. तो मैंने ये फोर वेरिएबल के मैप बना लिया. ठीक है, सेम यहां पर क्या है, जीरो जीरो, दिस इज जीरो वन, वन वन, वन जीरो. क्योंकि हम पहले सॉप का लिखेंगे देन हम उसे पॉस में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो. अगेन यू हैव चॉइस, आइदर यू कैन राइट वेरिएबल्स और यू कैन राइट बिट्स. ठीक है, इट्स अप टू यू. नाउ फर्स्ट इज बी बार डी बार. बी बार डी बार मीन्स फ्रॉम दीज टू रो, बी बार कहाँ है, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो. नाउ डी बार, डी बार इन फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम. मीन्स की जो हमारे मीन टर्म्स होंगे यहाँ 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 यहाँ, जहाँ ये रो एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बी बार सी बार. मीन्स की अगेन फर्स्ट एंड लास्ट रो, बट सी बार है, मीन्स की ये नहीं होगा. नाउ दिस इज सी बार सी बार. तो नाउ वन वन यहाँ ऑलरेडी थे तो हम रीराइट नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ लास्ट टर्म इज ए बार सी बार डी. तो ए बार हमारे किस किस रो में है, ए बार फर्स्ट रो,
and second row. Now C bar D in this column. In this column first and second both row and column हमारा ये use हो रहा है, ठीक है. ये दोनों ही row use होंगी क्योंकि दोनों में ही A bar है and column क्या है C bar D bar. तो first row में already one था तो हम rewrite नहीं करेंगे, हम rewrite सिर्फ यहाँ पर one लिखेंगे, ठीक. Now अब हमें इसे simplify करना था post form में, means कि जो भी हमारे terms यहाँ नहीं है वहाँ हम क्या put करेंगे, zero, ठीक है. नाउ अब हम करते हैं इनकी पेयरिंग, बट पेयरिंग से पहले अब यहां पर जो हमारा ए बार था बी बार, ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहां पर क्या हो जाएगा जीरो मींस ए, वन मींस बार विथ प्लस साइन, यहां दोनों ही वन है मींस ए बार प्लस बी बार, इन दिस केस ए इज वन मींस ए बार प्लस बी, ठीक है. नाउ इन दिस केस जब हम पॉज का लिख रहे हैं जीरो जीरो मीन्स सी प्लस डी, इन दिस केस सी इज जीरो तो सी, डी इज वन तो ये क्या होगा डी बार. नाउ इन दिस केस दोनों वन वन है मीन्स सी बार प्लस डी बार, इन दिस केस सी इज वन मीन्स सी बार प्लस डी, ठीक है. तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, सिंप्लीफाई करते हैं. तो नाउ फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा f इज इक्वल टू फ्रॉम दिस कॉलम c बार प्लस d बार. नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हमें याद रखना है मैक्स टर्म को कवर करना है, मैक्स टर्म मींस जीरो, ठीक. नाउ इन दिस केस नेक्स्ट ये फोर का क्वाड हमारा बन रहा है, ठीक है, ये फोर क्वाड बना तो a बार प्लस b बार फ्रॉम दिस रो. नाउ वी हैव टू मैक्स टर्म लेफ्ट वन एंड टू, अब इसे अगर हमें कवर करना होगा तो आइदर वी कैन कवर बाय यूजिंग पेयर, बट इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ क्वाड तो गो विथ क्वाड, तो हमें क्या बनाना है इसका क्वाड, ये बैक टू बैक कनेक्ट होगा. नाउ ये बैक टू बैक कनेक्ट हुआ तो फ्रॉम दीज टू रो व्हाट इज कॉमन बी बार, फ्रॉम दीज टू कॉलम व्हाट इज कॉमन डी, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस, ठीक है. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.